नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक नाउ इंडिया। तो दोस्तों, आज की टेक न्यूज वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं IDFC बैंक का। अगर आपके पास अगर कोई लोन चल रहा है, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन या किसी भी तरीके का अगर लोन चल रहा है, अगर आप उस पर मोरेटोरियम यानी कि 3 महीने की मोहलत लेना चाहते हैं बैंक से, वो आप कैसे ले पाएंगे, ये सारी जानकारी हमने आज की टेक न्यूज वीडियो में आपको दी है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन और उसके साथ में ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, बिना रुके आज की टेक न्यूज वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल या लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी या जो भी आपके पास हो, उसमें सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, क्रोम वगैरह, उसको ओपन कर लीजिए। हम अपने ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, हम गूगल क्रोम ओपन कर चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये इस तरीके से है, इसको आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप डाल दीजिए गूगल। ठीक है फ्रेंड, गूगल, और गूगल में डालने से पहले आपको सबसे पहले डालना होगा IDFC बैंक। देखिए IDFC बैंक मोरेटोरियम अप्लाई, ये जो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, आपको सेकंड वाली लिंक मिलेगी PDF, या पहचान लीजिए PDF, मोरेटोरियम फैक इन अ बेक ऑफ कोरोना वायरस IDFC बैंक। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके कुछ टर्म्स कंडीशन है, वो सारे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला देखिए, कंडीशन ये होना चाहिए, अगर आपका 29 फरवरी से बाद में अगर आपका कोई भी ओवरड्यू या कोई भी NPA अगर आपका अकाउंट नहीं है, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें कौन कौन से लोन शामिल हैं वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये है लोन, हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये है लोन, ठीक है, ये रहे, देखिए। Is the bank extending the moratorium facility to all type of loans? Yes, the bank is providing a moratorium facility to all eligible customer for देखिए home loan, personal loan, consumer durable loan, loan against property, LAP, business loan, KCC and vehicle loans. Consumer are required apply for the same by sending an SMS from the registered mobile number or an email from the registered email ID. ठीक है, दो ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उससे आपको SMS करना होगा, अगर उससे आप नहीं करना चाहते हैं तो आप ईमेल, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल है उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि ईमेल से कैसे आपको मोरेटोरियम के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों ईमेल क्या है, आप इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आएंगे। देखिए ये है, उन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं। देखिए मोबाइल वाला ऑप्शन ये है, ये इनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है 8007010908। ठीक है, मेंशन इन योर लोन अकाउंट नंबर एंड वी विल एक्टिवेट द मोरेटोरियम फॉर द अनपेड ईएमआई ऑफ मार्च 2020 इफ एनी द ईएमआई ऑफ अप्रैल एंड मई 2020। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, इस पे आपको अपना लोन अकाउंट नंबर डालना होगा और उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको SMS करना होगा। ध्यान रखिए मेन बैलेंस ₹3 कटेंगे। और दूसरा ऑप्शन वो है, देखिए ये alternatively you can email request for moratorium from the registered email address, ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, email के through आपको बताएंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, तो देखिए इसको हम ना अभी यहां से copy कर लेते हैं। जो भी registered email ID उसी से आपको इसको mail करना है, जो भी registered Gmail हो, Outlook हो, Yahoo हो, जो भी जिस पे भी आपकी email ID हो उससे आपको करना है। ठीक है, तो हम अपनी जो registered email ID उससे open करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, Gmail हम open कर लेते हैं। ठीक है, यहां से आप कंपोज पर जाइए, ठीक है, टू, अभी जो हमने ईमेल आईडी कॉपी की थी यहां पे आप कॉपी कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पे आपको सब्जेक्ट में डालना है। ठीक है, इसमें आपको लिखना है मोरेटोरियम फॉर अनपेड ईएमआई अमाउंट। ठीक है, ये आपको डालना है सब्जेक्ट में, मोरेटोरियम फॉर अनपेड ईएमआई अमाउंट। ठीक है, अब आपको लिखना क्या, देखिए हमने एक बना रखा है फॉर्मेट, हम उसको आपको दिखा देते हैं। जो फॉर्मेट है वो आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसमें अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप डाल लीजिएगा। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हमने फॉर्मेट तैयार किया है, हम आपको सब कुछ बताएंगे।
क्या किस तरीके से आपको इसको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया, देखिए ये कुछ इस तरीके से है। तो आप इसको यहाँ से सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको लिखना क्या है इसमें, लिखा हुआ कि देखिए डियर टीम, क्योंकि जो आईडीएफसी की टीम है उसके लिए ये मेल किया गया है। डियर टीम, वी वॉन्ट टू टेल यू दैट अवर शॉप, देखिए हमारा छोटा सा बिजनेस था तो उस हिसाब से हमने लिखा है। अगर आपकी अगर सैलरी वगैरह आती है तो आप यहाँ पर शॉप की जगह अपना जो भी है आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अब हमारी शॉप थी तो हमने उसी वजह से लिखा हुआ। देखिए वी वॉन्ट टू टेल यू दैट अवर शॉप इज क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी विल नॉट एबल टू हैंडल योर ईएमआई राइट नाउ बिकॉज अवर शॉप इज अनेबल टू ओपन एंड देन वी आर नॉट गेटिंग मनी, इफ मनी इज नॉट कमिंग देन आई विल नॉट कम एबल, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेस दे दीजिए, ठीक है। एबल टू पे योर ई एम आई, वी रिक्वेस्ट यू, ठीक है। हमने इसमें लिखा हुआ कि देखिए हमारी शॉप काफी टाइम से बंद है, हमारे पास ना ही कहीं से कोई पैसा आ रहा है ना ही हमारे पास कोई मनी आ रहा है जिससे कि हम आपकी ई एम आई को पे कर पाए, ठीक है। फिर मैंने लिखा हुआ है प्लीज मेक अवर ई एम आई, ठीक है। हमारी जो ई एम आई है उसको देखिए, प्लीज मेक अवर ई एम आई दैट यू कैन मेक अ मोरेटोरियम सो दैट वी कैन पे अ ई एम आई इन अ फ्यूचर एंड प्लीज डू नॉट स्पॉल अवर सिविल एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हमने इसमें लिखा हुआ है जो हमारे पास पैसा आएगा, जब भी हम आपके लिए, जब भी हमारे पास पैसा आएगा तो हम आपकी ई एम आई को पे कर देंगे और आप किसी भी तरीके से हमारी जो सिविल है उसको कहीं पे भी आप मतलब खराब ना करिए और किसी भी जो इंस्टीट्यूशन है उसको आप हमारी सिविल मत भेजिए कि हमने ई एम आई पे नहीं की है, ठीक है। उसका थैंक यू, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर हो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल डाल दीजिए, यहाँ पे आप अपना लोन नंबर जो भी आपका लोन नंबर हो उस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे जो भी आपका लोन नंबर वो डाल दीजिए, ठीक है। उस पर नीचे मेन हेडिंग हमने ये डाल रखी है, देखिए वी आर रिक्वेस्टिंग यू दैट वी नीड 3 months मोरेटोरियम ऑन ई एम आई, यू हैव द ट्रबल ऑफ गिवन अस, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद इसको आप बोल्ड कर दीजिएगा। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको यहां से सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आप सेंड कर देंगे तो देखिए ये 100% यहां से सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरीके से ना आप बड़े सही तरीके से जो हमने आपको फॉर्म बताया उसको आप कॉपी पेस्ट करने के बाद आप जो आईडीएफसी की जो आपने हमने आपको ईमेल आईडी बताई थी उस पर आप कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जल्दी आपके पास रेस्पॉन्स आ जाएगा। जो भी उनका जो टाइम है वर्किंग आवर्स मतलब 24 घंटे 48 घंटे या 72 घंटे जो भी वो लेते हैं उस तरीके से वो आपको रिवर्ट दे देंगे और आपको बता देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका फरवरी 29 फरवरी जो है उससे अगर तो उस 29 फरवरी तक अगर आपका अकाउंट ठीक है, कोई भी ड्यू या ओवर ड्यू या एनपीए में आपका अकाउंट नहीं है तभी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। अगर आपने ओवर ड्यू चल रहा है पहले से तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वो आपको बार बार कॉल करते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों हमने अभी जो मेल किया था उसका जो रिवर्ट है वो आ चुका है, देखिए सबसे ऊपर ही है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये इसमें लिखा हुआ है, देखिए क्लियरली वी आर हैप्पी टू प्रोवाइड अ 3 months मोरेटोरियम फैसिलिटी फॉर योर लोन, इफ यू आर एलिजिबल एज पर आरबीआई गाइडलाइन प्लीज राइट टू अस, उन्होंने बताया, ठीक है। ईमेल आईडी रजिस्टर लोन अकाउंट फैसिलिटी टू एक्टिवेट मोरेटोरियम, इन्होंने रिवर्ट आया, ठीक है। उसके बाद कल या एक दो दिन में इनका जो फाइनल जो मेल है वो और आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उनको मेल करके रिवर्ट ले सकते हैं। देखिए 100% जेन्युइन है, आपके सामने है जो भी कुछ है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा हमने कितने सिंपल तरीके से आपको बताया कि आप आईडीएफसी बैंक की तरफ से कैसे मोरेटोरियम को ले सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही छोटा और सिंपल सा प्रोसेस है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। और अगर आपको फिर भी कुछ अगर इस वीडियो में समझ में ना आए तो प्लीज आप हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब आपको देंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ समझना हो तो फिर भी आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। अगर किसी और भी बैंक अगर आपको मोरेटोरियम चाहिए या आपको पता करना हो कि किस तरीके से लेना है
तो उसके लिए भी हम आपके लिए इंडिविजुअल जो वीडियोस है, जो सबसे ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर जिसकी रिक्वेस्ट करेंगे, वो वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की टेक न्यूज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारी वीडियोज को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।